नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ। मेरे पास एक मॉडल आया हुआ है वीवो का Y93। उसके अंदर MTK CPU लगा हुआ है और चार्जिंग IC जो लगा हुआ है वो BQ25601 लगा हुआ है। उसके अंदर चार्जिंग के अंदर जब हम फ़ोन को लगाते हैं तो उसमें एक एरर शो करता है, और इस एरर किस वजह से ये आती है इसके ऊपर ये जो है पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और क्या क्या स्टेप हम लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें चार्जर और हम चेक करते हैं कि इसके डिस्प्ले पे आपको क्या मैसेज एरर हो रहा है। तो देखिए ये चार्जिंग दिखा रहा है। इसमें मैं आपको USB चार्जर जो है नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये एरर आ रही है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस वाली। जो ये एरर जो है वो बहुत वजह से आती है, ये ID थर्मल की वजह से भी आती है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर ये जो एरर है वो एक्चुअली एक सेंसर के द्वारा आती है। और इस सेंसर पर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो मैं सोच रहा था बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन इसमें कुछ हमने अलग किया है। यानी कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जब लोग इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सेंसर को निकाल देते हैं, या फिर जो सेंसर का जो कनेक्टर है उसके ऊपर टैप वगैरह लगा देते हैं। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने कुछ अलग सॉल्यूशन लाए हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले फ़ोन को हम डिसेंबल कर देंगे, यानी कि पूरा उसका खोल लेते हैं, और फिर जो उसकी सप्लाई है वो हम वन बाय वन चेक करेंगे, खास करके जो इसकी बूट सप्लाई और जो आउटपुट सप्लाई VPAT वाली निकलती है उतना चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जनरली ये सेंसर जो रहता है ये तब आपको इफेक्ट करता है जब आपका PCB जो है वो बोर्ड के अंदर, मतलब के फ्रेम के अंदर लगा हुआ है। जब PCB को आप बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद की जो वोल्टेज वगैरह है वो सब सही दिखाती है। तो ये वोल्टेज जो है आपको मैं मेज़रमेंट करके दिखा दूंगा, और फिर हम जो है इसका सेंसर का सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से करते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों हमने ये वोल्टेज चेक किया, देखिए ये हमने बूट कैप पे देखा, यहाँ पे 8 के तकरीबन वोल्ट आ रहे हैं और बूट के दूसरी साइड में 4 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा जो स्विचिंग सप्लाई है वो बन रहा है। देखिए ये 8.70 समथिंग वोल्टेज जो है बूस्ट कैपेसिटर पे बन रहा है, और दूसरी साइड 4.1 समथिंग बन रहा है, यानी कि बूस्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज बन गया, मतलब आपका जो बाकी का सप्लाई है वो सही होगा, तभी अब यहाँ पे सप्लाई बनेगा। जिन लोगों ने कोर्स मेरा लिया है उन लोगों को पता है ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर डिटेल में बताई हुई है। तो यहाँ पे इसका आपने ये बूस्ट कैपेसिटर चेक कर लिया तो ये मतलब कि आपका सही एक 1.8 की सप्लाई जो है इनेबल की वो भी आपकी सही आ रही है, मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन जो है वो पूरी तरह ओके है। और अभी इस टाइम पे मैं USB में देख रहा हूँ तो ये 1.1 एम्पियर ले रहा है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको बॉडी में फिट करते हैं तब ये दिक्कत करता है। तो हम इसका सेंसर निकाल के भी यहाँ पे लगा के दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये सेंसर लगने के बाद जो है इसका वोल्टेज छूट जाता है। तो ये सेंसर हमने लगाया, तो जब ये सेंसर हम लगाते हैं तो जो 1.1 एम्पियर ले रहा था वो ज़ीरो हो जा रहा है, यानी कि डिस्प्ले नहीं लगाया है। तो एरर हमें पता चल जाती है कि हमारा जो वोल्टेज लेना है वो बंद हो गया है। अब इस सेंसर को हम निकाल के इसको रिपेयर करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सेंसर वाला जो पार्ट है वो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग ना लगे, और अगर कोई देखना चाहता है तो आप थोड़ी सी स्पीड कम कर दोगे तो प्रॉपरली एक एक जो ऑपरेशन है इसका ये इसको आप देख सकोगे। मैं ज़्यादा स्पीड इसकी फास्ट नहीं करूँगा, हल्की सी स्पीड ही फास्ट करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको कि ये हमने किस तरह से रिपेयर किया है।
तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेंसर है इसको हमने रिपेयर कर दिया है। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज था, अगर आपने देखा है तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि इसका जो नीचे के लेक थे वो सारा जो है वो कार्बन वहाँ पे जम गया था। उस कार्बन को क्लीन किया, एक वहाँ पे जो कैपेसिटर था वो भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा था तो उसको भी निकाल दिया, और डायरेक्ट उसका जो वोल्टेज का लाइन है उसको हमने डायरेक्ट कर दिया। और फिर हम इस फ़ोन को फिटिंग करके देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारा चार्जिंग होता है या नहीं, और सेंसर भी जो है वो प्रॉपरली हमारा काम करता है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें जो है हमें देखनी है। तो हम देखते हैं कि इसका जो चार्जिंग है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, और जो सेंसर भी है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों चीज़ें जो है हम इसमें चेक करेंगे। ये हमने बैटरी वगैरह लगा दिया है इसके अंदर, और अब हम इसको चार्जर इनपुट करके देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, चार्जिंग का लोगो यहाँ पे आ चुका है और चार्जिंग दिख भी रहा है। अब हम इस फोन को ऑन करके इसका सेंसर जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूएसबी चार्जर में ये 1.1 वोल्टेज लेना स्टार्ट कर दिया है, यानी चार्जिंग जो है वो प्रॉपरली हो रहा है, यानी कि जो शॉर्टिंग थी वो तो निकल गई है डेफिनेटली। अब ये देखना है कि सेंसर काम करता है या नहीं करता है, तो हम इमरजेंसी कॉल डायल करेंगे। देखिए सेंसर भी प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहे, ताकि हम इस तरह के जो वीडियो है वो आपके सामने लाते रहे और आपको नया नया जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हम देते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने ये सेंसर का जो आपको दिखाया है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के